अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। फूड इज रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये स्नैक है जिसे मिन्स मीट पफ कहते हैं। ये बहुत मज़ेदार होते हैं जिसे आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज में भी तैयार कर सकते हैं और बहुत आसान होते हैं। इससे पहले कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं मिन्स मीट पफ के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मिन्स मीट पफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका कीमा तैयार करेंगे। यहाँ एक पाव बीफ का कीमा है जो कि बगैर हड्डी का है। इसके अलावा एक छोटे साइज की प्याज है जिसको बहुत अच्छा फाइन इसको चॉप कर लिया इस तरह से। और जो हमारे पास मसाले हैं उसमें हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया है और क्वार्टर टी स्पून हल्दी है, एक टी स्पून भर के इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर जीरा है जो कि हाफ टी स्पून लिया है और काली मिर्च है ये भी हाफ टी स्पून है और छोटे साइज का एक टमाटर है जिसको मैंने मोटा चॉप कर लिया है और एक टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट है। अब सबसे पहले प्याज को हल्का सा सौते करते हैं। यहाँ प्रेशर कुकर में हम 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करके इसके अंदर जो प्याज है ये सारी प्याज डाल देंगे। इस प्याज को कलर नहीं देना, सिर्फ इसको हल्का सा सौते करेंगे। प्याज को हल्का सा सौते कर लिए, अब इसमें ये जीरा डाल देंगे। जीरे को हल्का सा इसमें भूनने के बाद इसके अंदर अपने कीमा डाल देंगे। कीमे का कलर पिंक से थोड़ा व्हाइट होता जा रहा है। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। इसमें लहसुन अदरक और टमाटर की पेस्ट डाल देंगे, नमक मिर्च धनिया हल्दी एक साथ इसमें डाल देंगे। इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी और इसको आप कीमे को गलने के लिए रख देंगे। कीमा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट में ये कीमा तैयार हो गया है। मिन्स मीट पफ की डो बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मैदा है जो कि मैंने 3 कप ये मैदा लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से छान लिया है। अब इस मैदे के अंदर हम 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भर के मैंने चीनी का लिया है ये इसमें डाल देंगे। निर्म गर्म पानी के साथ इसको गूंदेंगे इस आटे को। इसके अलावा इसके अंदर एक सशे जो कि 11 ग्राम का है, ये मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है जो कि दानेदार खमीर होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक अंडा है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें मक्खन लिया है। अगर ऑयल लेना चाहें तो वो भी 2 टेबलस्पून ले सकते हैं। अब मैदे के अंदर ये सारी चीजें डालेंगे और मैदे इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट इसकी डो गूंद लेंगे। इंस्टेंट ईस्ट जो कि दानेदार खमीर है, ये चीनी और नमक। अंडा मक्खन पहले इसको जो हमने इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसके साथ पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें अभी बाद में डालेंगे जितनी हमें जरूरत होगी। आटा बहुत अच्छी तरह से नरम गूंद लिया है, अब इसको मैं कवर करके किसी गर्म जगह पर रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। आटा जो हमने अभी गूंदा था पफ के लिए ये बहुत अच्छी तरह से
राइस हो चुका है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मैंने इसको राइस होने के लिए रखा है। अब इसके छोटे छोटे हम पफ बनाते हैं। थोड़ा सा मैदा डाल के पहले मैं इसको थोड़ा इसको पंच डाउन करूंगी ताकि जो इसमें हवा आ जाती है वो सब इसका ये इसमें से निकल जाए। थोड़ा सा मैदा इसमें डालेंगे। मैदा डाल के मैं इसको आसानी से ये मैदा डालने से ये हैंडल हो जाता है। मैदे को इस तरह से हमने एक बड़ा इसका जो है वो पेड़ा बना लिया। अब इसके छोटे छोटे हम जो है वो पफ बनाएंगे। इस तरह से हाथ में लेने के बाद आप इसके इस तरह से गोल पफ बना लें। गोल पफ बना के इसको इस तरह प्लेट में रखते चले जाएंगे। छोटे छोटे आप इसके मैदे के जो है वो हाथों में हल्के से खुश्की लगा के इसके पेड़े बना लें और इस तरह से गोल गोल इसके पफ बनाते जाएं। इसी तरह से मैं बाकी और भी बना लेती हूँ। कुछ मैंने इसमें से पेड़े बना लिए हैं। अब इनको 5 से 10 मिनट तक थोड़ा सा राइस होने के लिए रखेंगे, फिर उसको फ्राई करते हैं। पेड़े थोड़े से अपने साइज में बड़े हो चुके हैं। अब हम इनको कढ़ाई के अंदर हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। यहाँ कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है। ये बहुत ही अभी हल्का ऑयल जो है वो गर्म हुआ है और इस हल्के से गर्म ऑयल के अंदर ये हम ये पफ डाल देंगे। ज्यादा तेज गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे और हल्की आंच पे इनको फ्राई करने के लिए रखेंगे। बहुत हल्की आंच पे फ्राई करना है इन पफ को। अभी मैं इसके अंदर इतने ही डाल देती हूँ, अगर गुंजाइश हुई तो फिर इसमें और डाल देंगे। पफ बहुत ही हल्की आंच पर फ्राई हो रहे हैं और ये अपने साइज से डबल हो चुके हैं। अभी इनको लाइट गोल्डन करके जो है वो मैं बाहर निकालूंगी। अभी इसको मजीद और फ्राई करेंगे। पफ एक साइड से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। पफ बहुत अच्छे लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब मैं इनको बाहर निकालती हूँ। तकरीबन 15 मिनट मैंने इनको दोनों तरफ से जो है वो फ्राई किया है। ये दोनों तरफ से इनका बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया। जो पफ हमने तैयार किए हैं अब इसके दरमियान से कटिंग करेंगे। अभी चूंकि ये बहुत गर्म है आप देख सकते हैं कि अंदर तक ये कितने अच्छे पक चुके हैं। तीनों पफ अंदर से इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा एक पफ के अंदर से इसका दरमियान का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा खाली करेंगे ताकि कीमे की फिलिंग कर सकें। जो कीमा अभी हमने तैयार किया है इसमें से ये थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। इस पफ में से मैंने एक को खाली किया और एक को खाली नहीं किया। इसी तरह से आपने बाकी में भी एक को खाली करना है और एक को खाली नहीं करना। अब जो हिस्सा हमने खाली किया है इसके अंदर हमने जो कीमा तैयार किया था इस कीमे की फिलिंग कर देंगे। कीमे की फिलिंग करने के बाद इस पर ये शिमला मिर्च जो कि मैंने बहुत ही बारीक इसको चॉप किया है, इसमें बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च जो है वो रखेंगे। और आप कोई भी सी भी चीज जो आपको पसंद है, अगर मोज़रेला पसंद है या चेदर पसंद है, जो भी आप पसंद है वो आप इसके अंदर इस तरह से जो है वो चीज लगा देंगे। और लगाने के बाद
इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इसके बाद अभी मैं इसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म करूंगी तो ये इसके साथ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। बाकी भी इसी तरह से फिलिंग कर लेते हैं। पफ्स के ऊपर मैंने अच्छी तरह से इसको दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रखने के बाद इस पर टूथपिक लगा दी है। अब हम इसकी चीज को मेल्ट करने के लिए इसे माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे। माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये किस कदर चीजी बने हैं, बहुत ही लजीज और बहुत ही मजेदार तैयार हुए हैं। मिन्स मीट पफ बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये स्नैक है। रमज़ान में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दावतों में जो है वो आप इसको टी पार्टीज़ में भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। एक मतलब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।